नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक। मैंने कभी भी साबूदाना यूज करके कोई डिश बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम साबूदाना का एक डिश बनाएं। साबूदाना जैसे हम बोलते हैं तो दो मेन डिश याद आता है, वो है साबूदाना खिचड़ी और एक साबूदाना वड़ा। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो बनाते हैं साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप साबूदाना लिया है, जो 5 से 6 घंटे तक मैंने पानी में भिगो के रखा था। ये एक कप साबूदाना है। 2 आलू, 1 कप मूंगफली, 1 कप धनिया, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस। मसाले में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च लिया है, ये अराउंड 3 से 4 हरी मिर्च है फाइनली चॉप्ड। 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी लिया है। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वेजिटेबल ऑयल, ये तलने के लिए। तो चलो बनाते हैं साबूदाना वड़ा। और साबूदाना वड़ा बनाने का पहला स्टेप ये है कि हमें आलू को बॉईल करना है। आलू को हमें अराउंड 4 से 5 सीटी तक अच्छे से कुक करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और एक स्टैंड रखा है। इसके ऊपर हम आलू जो पहले से ही स्लाइस करके रखा था वो रखेंगे। अब हम ये आलू कुक होने तक वेट कर लेते हैं। तो हमारा आलू कुक हो गया है, मैंने इसको अराउंड 5 सीटी तक अच्छे से कुक किया है। अब हम इसका छिलका निकाल के रख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस मूंगफली को मिक्सर में डालकर थोड़ा सा क्रश करना है। अब इस मूंगफली को मैं थोड़ा सा क्रश कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने मूंगफली को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन की ओर बढ़ते हैं। बॉईल किया हुआ आलू मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, मैंने इसका छिलका कम्प्लीटली निकाल दिया है। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ साबूदाना। ये 1 कप साबूदाना है, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बताना है, 4 से 5 घंटे तक भिगोने के बाद जो साबूदाना है ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रहेगा, ये कंसिस्टेंसी आना चाहिए। अब हम आलू और साबूदाना को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आलू और साबूदाना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके बाकी के सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं धनिया। ये 1 कप धनिया है, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च जो मैंने फाइनली चॉप किया है, 1 चम्मच अदरक फाइनली चॉप, क्रश किया हुआ मूंगफली, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड कर लेते हैं चिली फ्लेक्स जो ऑप्शनल है। लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं करी पत्ता, ये भी ऑप्शनल है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं नमक सब प्रॉपर है कि नहीं। तो मैंने टेस्ट चेक कर लिया है, नमक तीखापन सब प्रॉपर है। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक मीडियम साइज बॉल में कन्वर्ट करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम पैटीज का शेप दे देते हैं। शेप देने से पहले हम दोनों हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि हाथ में चिपके ना। अब ये जो बॉल है इसको हम प्रेस कर लेते हैं और पैटीज के शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी के भी साबूदाना वड़ा बना लेता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस इसको प्रेस करना है हल्का सा। अगर आपको लग रहा है हाथ में चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगाइए, बस इसको प्रेस करके पैटीज का शेप देना है। ये हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं ताकि जब आप इसको फ्राई करोगे तो साबूदाना अंदर से भी कुक होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो साबूदाना वड़ा ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस इसको फ्राई करना है। मैंने 1 कप साबूदाना से अराउंड 12 से 13 साबूदाना वड़ा बनाया है, तो आपके हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमारा फाइनल स्टेप ये है कि हमें साबूदाना वड़ा को एक एक करके तेल में फ्राई करना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर लिया है। फिलहाल मैंने फ्लेम को हाई रखा है ताकि जो तेल है ये अच्छा खासा गर्म हो जाए। तो तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा साबूदाना दाना ऐड करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो साबूदाना का जो दाना है ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये है कि तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके साबूदाना वड़ा ऐड करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। साबूदाना वड़ा ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम में हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि जो साबूदाना है ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हो साबूदाना वड़ा में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको एक एक करके टिश्यू पेपर में निकाल के रख लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी के भी साबूदाना वड़ा फ्राई कर लेता हूं। तो आप लोग भी अपने घर पे ये इजी और टेस्टी साबूदाना वड़ा जरूर ट्राई कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि साबूदाना वड़ा बनाना कितना सिंपल है। आप अपने घर पे ये इजली बना सकते हैं। बाहर जाके भी एंजॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने भी बोलिए। अंटिल देन टाटा।